श्री परमात्मनि नमः, हरये नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोध्यायः, श्लोक 28, 29 एवं 30। श्लोक 28। एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलं। श्लोक 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्लोक 28। अर्थ, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। श्लोक 29। अर्थ, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। श्लोक 30। अर्थ, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।